ऋषि चरक ने जीवन विकास को अलग अलग चरणों में विभक्त करते हुए गर्भस्थ शिशु जब जन्म लेता है तो गर्भ से लेकर के अपनी अंतिम सांस तक सीखते रहता है और सीखने के गलने और ढलने के एक उम्र होती है, क्योंकि जिस प्रकार से बीज को बीज उपचार करके संस्कारित किया जाता है, इसी प्रकार से जीवन को अलग अलग उम्र में संस्कारित किया जाता है। हमारी बाल संस्कार शाला का उद्देश्य भी यही है। बालक के कोमल मन के ऊपर जो इस समय स्वस्थ जीवनचर्या की, स्वस्थ धर्मचर्या की, स्वस्थ खानपान के और स्वस्थ व्यवहार के यदि छाप छूट जाती है तो बच्चा निश्चित स्वयं के जीवन में समाधान ढूंढ लेता है, स्वयं के जीवन से रिश्तों की मधुरता के संबंध निभा लेता है। आज हर माता पिता ऊंची डिग्री की ओर तो देखते हैं, लेकिन क्या एक बार जब हम अपने बच्चों को सामाजिक स्तर पर और उसके व्यवसायिक स्तर पर जब उसकी व्यवहार कुशलता को देखते हैं तो कई बार हमें शर्म से सिर नीचा करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि अब इस कठोर मन स्थिति को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए। कई बार हमें असंभव इससे लगता है कि वो लंबे समय से घड़े गए उसके विकृत चिंतन पे पड़ी हुई विचारों की छाप है, उसकी सोच है, जिसको इतना जल्दी नहीं बदला जा सकता है। हमारा ऋषि कहता है कि जो भी हमारे चित्त में विचार आते हैं उसमें अधिकांश विचार बचपन के जाने समझे अवचेतन मन में रहते हैं, जो एक उम्र पा करके प्रकट होते हैं। निश्चित रूप से बाल संस्कार शाला का बालक बालिका का गुण कर्म और स्वभाव बहुत उच्च कोटि के होते हैं। उसके व्यवहारिक जीवन में वो हर कार्य को सफलता के लक्ष्य के लिए नहीं, सार्थकता के लक्ष्य के लिए काम करता है। आज सफलता सफलता सूत्र किसी भी प्रकार से हमें अर्जित करना है, चाहे वो अनैतिक हो, चाहे वो किसी को नुकसान करके मिली हो, चाहे स्वयं को मिटा के मिली हो, लेकिन वो सफलता सफलता नहीं है भाइयों बहनों। जिससे हमारा ऋषि कहता है कि मनुष्य को अपने जीवन के उन जीवन आदर्शों के साथ सफल और सार्थक होना चाहिए जिससे हम सबके हित के लिए, सब हमारे हित के लिए है, ये भावना बचपन में बाल मन में आती है। आपने कहीं वीर अभिमन्यु का, संतोष सुधारकों का, शहीदों का, ऊंचे सफल लोगों का यदि कहीं चरित्र पढ़ा हो तो उनको बाल्य अवस्था में ही एक वातावरण के अंदर घड़ा गया था। वातावरण का प्रभाव बड़ा गहरा पड़ता है। आज हमारे घर के वातावरण नकारात्मकता से भरे हुए, अपेक्षाओं से भरे हुए है। आज हमारे घर के वातावरण फैशन और वेशन से भरे हुए, प्रदर्शन और स्पर्धा से भरे हुए। आज हमारे वातावरण को हमने हवस का शिकार बना दिया, वासना का शिकार बना दिया, कुंठा का शिकार बना दिया। इससे भी हमारे बच्चों को बाहर निकालने के लिए बाल संस्कार शाला एक नई मन स्थिति का, एक नई उड़ान का, एक नए विचारधारा की नई इच्छा शक्ति का, जिस प्रकार से आकाश का परिंदा अपने जीवन की उड़ान खुद अपने पैतृक माता पिता के संस्कारों से स्वयं सीख करके अपनी उड़ान भरता है। बया चिड़िया अपना घोंसला खुद बना लेती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके जीवन में माँ के संस्कार, पिता के संस्कार, आसपास के संस्कार में उसने अपने आप को स्वावलंबी होते देखा है। आज हम बाहर की शिक्षा पद्धति से कागज की डिग्रियां जरूर दे देते हैं, वो बच्चा पढ़ लिख करके कुछ पैसे भी कमा लेता है, लेकिन याद रखना पैसा कमा लेना आसान है, पैसे को खर्च करना बहुत कठिन है। अधिकांश बच्चे कम उम्र में खर्चीली जिंदगी जी करके पैसों से ही बिगड़ते हैं। ये पैसा एक शक्ति है और हमारे ऋषि ने लिखा है
इस शक्ति का यदि दुरुपयोग किया गया तो पैसा बिगाड़ने की चीजें ज्यादा खरीदने की प्रेरणा देता है, संभालने की सुधरने की चीजें कम खरीदते हैं। एक बार आपके बच्चे का मूल्यांकन करके देखो कि एक महीने में अपने को संभालने की चीजें, अपने जीवन को संवारने की चीजें कितनी खरीदता है और बिगड़ने की चीजें कितनी खरीदता है, मनोरंजन की कितनी खरीदता है। इसके पीछे आपका दृष्टिकोण भी बदलना पड़ेगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चों को साधन दे देंगे, रुपया पैसा दे देंगे, धन दौलत प्रॉपर्टी दे देंगे। याद रखना, धन दौलत प्रॉपर्टी संपदा तो अच्छे संस्कार हुए वो खुद कमा लेगा और उसकी जरूरत से कमा लेगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने माता पिता ने कम उम्र में छोड़ दिया हो, उसके बाद वो दुनिया के बहुत उच्च क्वालिटी के ऊंचे व्यक्ति बने, उनका स्तर उन्होंने स्वयं गढ़ा है। तो निश्चित है कि हमारी बाल संस्कारशाला बच्चों में एकाग्रता, मन स्थिति में सकारात्मकता, जीवन में स्वास्थ्य, परिवार में मैत्री, संस्कृति और धर्म और समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति एक जागरूक होनार जिम्मेदार देश को नागरिक भी देता है। आज हमारी 60,000 से अधिक बाल संस्कारशालाएं देश में संचालित है। आज हमारे गुरुकुल में 3 राज्यों से बालक बालिकाएं जो विद्या अध्ययन करते हैं, इनका जीवन सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक स्वावलंबी है। इनके कपड़े लत्ते, इनका दैनिक कार्य, इनके जीवन की पढ़ाई लिखाई ये खुद करते हैं और अधिकांश समय पेड़ों के नीचे, अधिकांश समय एकांतवास सरोवर के नीचे और कोई मोबाइल नहीं, कोई आधुनिक संसाधन नहीं, अपनी जिंदगी की परवरिश करने की यही एक उम्र होती है। तो बाल संस्कारशाला जीवन के तमाम प्रश्नों का उत्तर देती है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भावी पीढ़ी का निर्माण हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी है, परिवार के भी, समाज के भी और स्कूलों के भी। तो हम प्रयास करें कि हमारे हाथ में जो नन्ना पौधा है इसको एक विशाल वटवृक्ष बनाना है। जिस प्रकार से बीज यदि गल जाए तो वृक्ष बन जाए और फेंक दिया जाए तो सड़ गल जाएगा, और यदि उसी बीज को एक व्यक्ति खा ले तो ताकतवर हो जाएगा। बीज की 3 गति हो गए, एक हो गई उसकी गति, एक हो गई उसकी प्रगति और एक हो गई उसकी दुर्गति। तो जो बीज हमसे चले गया, नष्ट हो गया, समझ लो उसकी दुर्गति हो गई। बीज तो था, जीवन तो था, लेकिन हमने संभालने में गलती कर दिया है। ऐसा ये नन्ना बीज है, हम चाहे तो इसको विशाल वट वृक्ष का आकार दे दें या इसे गला दें, अपने हाथ में इसको घड़ना और बनाना।